विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश के इस वक्त काफी जोर शोर से इस वक्त सरगर्मियां चल रही हैं। कारण ये है कि अब ये वो समय आ गया जब सारी पार्टियां प्रचार के लिए निकल चुकी हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से अपने अपने दल का वो प्रचार कर रहे हैं। हमने आपको कई गाँव से, कई क्षेत्रों से आप तक ये बात पहुंचाई है कि किस तरह से इस बार वोटर अपने मुद्दों को रख रहा है। ये वो दौर है जब सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां लोगों तक पहुंच रही हैं और ऐसे में अब वोटर उस स्थिति में नहीं है कि वो आंख मूंद कर किसी भी दल को वोट कर दे। अब व्यक्तिगत रूप से भी या फिर जातिगत रूप से भी अब वोटिंग बहुत कम हो गई है। अब लोग मुद्दों को साफ तरीके से, सही ढंग से रखने लगे हैं। वैसे भी चुनाव का मतलब ही ये होता है कि अपने लिए बेहतर चुनना, और अगर अपने लिए बेहतर चुनने की बात हो तो निश्चित रूप से उन तमाम बातों का ख्याल रखना हो जो आपके क्षेत्र के लिए, जो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बेहतर हो। तो बेहतर का चुनाव यहाँ पर लोग किस तरह से करेंगे, कौन से मुद्दे उनके लिए प्रमुख होंगे, हम इस वक्त रामपायली में है और रामपायली में जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये एक मंदिर है, 600 साल पुराना मंदिर बताया जाता है। पौराणिक कहानियां और बहुत सारी बातें जो है इससे जुड़ी हुई हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मेले के शक्ल में एक हर साल यहाँ पर जुटते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में भीड़ होती है। यहाँ एक पौराणिक महत्व भी है इस स्थान का, राजनीतिक महत्व भी है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है कई लोगों की को सत्ता पर बिठाता है, कई लोगों को सत्ता से उतारने का मादा भी रखता है। यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे, उससे पहले हमारे साथ राहुल हैं। राहुल, पहला शब्द जो हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम का जो हमारे साथ जिनके जिन्होंने सहयोग किया हुआ है, ये यहाँ का स्थानीय एक चैनल है और इन्होंने यहाँ पर लोगों को इस प्रकार से इकट्ठा किया है। आज चौपाल के तौर पर हम लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ के स्थानीय नेताओं से बातचीत करेंगे, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के भी लोग हैं और साथ ही स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। राहुल से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे सभी लोगों का परिचय कराएं। बिल्कुल सुधीर जी, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। तो गांव के प्रथम नागरिक ये संदीप बागमारे जी, आपका स्वागत है। संदीप बागमारे, ग्राम रामपाली के बाद में बात पे आते हैं तो सीधे हमारे जनपद सदस्य जो है जगदीश बंसोड़ जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत मैं जगदीश बंसोड़, धन्यवाद आपका। सर, क्या लगता है आपको किस तरह की सरकार वर्तमान में अब इस मौजूदा मध्य प्रदेश में आनी चाहिए? अभी मौजूदा इसमें जनता के रुझान के अनुसार कांग्रेस की सरकार लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है जनता के द्वारा। फिलहाल तो यह परिचय का दौर लगातार चलता रहेगा, काफी अन्य पार्टी के लोग भी यहाँ पे मौजूद है और सभी से उनके मुद्दों के ऊपर में जानकारी चाहेंगे कि किस तरीके से वे अपने नेता को चुनेंगे और सरकार को चुनेंगे। तो सर, आप आगे बढ़िए। यहाँ पर जो प्रमुख लोग बैठे हुए हैं हम उनसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार के इलेक्शन में आपके लिए कौन सा मुद्दा प्रमुख होगा। मैं मुन्नू दुबे, भारतीय जनता पार्टी बिलोंग करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पूर्व मेंबर भी रहा हूँ। वर्तमान में जो मुद्दे हैं कि जो डेवलपमेंट के मुद्दे जो चल रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के, वो रुकना नहीं चाहिए। 2003 से सतत विकास कर रहा है मध्य प्रदेश, किस तरह से सभी क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास कर रहा है, हाँ, और महिला उत्पीड़न का जो केस पहले बनते थे उससे विकास कर रहा है, रोडवेज के मामले में विकास कर रहा है, और लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार की जो रही है वो तो पूरे देश में लागू हुई है। बुजुर्ग का उसके तीर्थ योजना लागू है, अभी लाडली बहना योजना लागू हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो बच्चों को अगर विदेश में पढ़ना होगा तो जो मेधावी बच्चे हैं उनका पूरा खर्च मध्य प्रदेश सरकार वहन करती है। इवन मेडिकल कॉलेज में भी जो लड़के यहाँ सिलेक्ट हुए हैं, जो मेरे पहचान के भी हैं, उनका टोटल खर्च मध्य प्रदेश सरकार वहन कर रही है। 25 लाख की फीस देना किसी स्टूडेंट के लिए मजाक नहीं, सरकार वहन कर रही है ना। इस प्रकार से सरकार, मध्य प्रदेश सरकार सभी क्षेत्रों में, चाहे युवा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हो, या मतलब धार्मिक क्षेत्र में हो, शैक्षणिक क्षेत्र में हो, यह सब मतलब डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं और यहाँ की जनता चाहती है कि डेवलपमेंट काम रुकना नहीं चाहिए। तो मतलब जो मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार, शिवराज सरकार है, वो अपने किए हुए कामों को लेकर मैदान में है, अपने किए हुए कामों को जो उन्होंने किया है, अचीवमेंट किया है, उसको वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोग वो उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। हाँ, वही आधार है। तो फिर आपके पोस्टर पे मध्य प्रदेश के मन में मोदी ये बात लिखी हुई है, आपके कामों की जानकारी उसमें नहीं? नहीं, काबू की जानकारी तो मध्य प्रदेश मन में तो मोदी रहेगा भाई, मोदी देश के हैं तो देश के पूरे मन में मध्य प्रदेश के मन में शिवराज नहीं है। नहीं, मध्य प्रदेश मन में शिवराज है भाई, शिवराज का मन बदला कहाँ है बताइए आप।
हाँ हमने बोला कि पोस्टर से गायब क्यों है, ये बात और लोगों से मैं भी पूछूंगा। मैं ये बात जो है और लोग भी बताएं कि आपके लिए जो है वो क्या प्रमुख मुद्दे हैं। मेरा नाम है नंदलाल परिहार। मध्य प्रदेश के मन में तो मोदी है, शिवराज हट गया है। अभी क्यों हटा तो शिवराज नहीं आ रहा है समझ में, या चुनाव की वजह से अभी हट गया होगा, चुनावी हलचल चल रही है इसलिए, है ना। अब हो सकता है भविष्य में सरकार किसकी बन जाए, मतदाता किस पर रुझान दे दे अपना। रहा सवाल विकास का कार्य, जो वर्तमान विधायक थे यहाँ पर, है ना, उनके तो विकास कार्य है बहुत से। अब जनता का ऐसा है रुख है, कभी क्या है, अभी 18 साल का बीजेपी का शासन है, अभी इनका विकास देखो। और वो तो निर्दलीय विधायक थे, अभी उनके विकास के अच्छे गुण हैं। बीजेपी में निर्दलीय थे, अब बीजेपी में, तो आप कांग्रेसी होते हुए उनके साथ हैं? नहीं, अभी तो साथ में नहीं हूँ मैं, अभी तो देख रहा हूँ रुक, बीजेपी वाला विधायक ठीक रहेगा कि कांग्रेस वाला ठीक रहेगा, है कि नहीं। तो आप इंतजार कर रहे हैं कि कब आकर वो आपसे मिलें और उसके बाद फिर अपना रुख तय करें। जी बताएं। चुन में क्या भैया, यहाँ अभी क्या हुआ, बीजेपी ने 7 मंत्रियों सांसदों को उतारा हुआ है और सब बराबरी से है, और शिवराज सिंह सरकार की जो पॉलिसी और काम है बहुत अच्छे हैं। चूंकि कौन से काम बताए, सिंचाई भाग के देखो, युवाओं को रोजगार के नाम से देखो, और सबसे बड़ा मुद्दा जो ये किसानों का जो था, किसानों के नाम से जो पैसा मिलता था खाद के रूप में देखा जाए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ गया है, नहरों की जो, वो युवाओं की आपने बात कही, बहुत सारे युवा जो हैं परेशान हैं कि हमारा जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और काफी कुछ उसमें होता क्या था। पहले आपने, हमने जो शिक्षा कर्मी का भरते थे, हम लोग को 300 रुपये मिलता था, उसके बाद 1000 रुपये हुआ, 3000 हुआ। उस समय नियुक्तियां जनपद के सदस्य लोग लिया करते थे, उसमें करप्शन हुआ करता था। अब ऑनलाइन हो गया, एग्जाम हो रही है, कुछ तो 15 लाख लेते हैं बोल रहे हैं जी। अब 15 लाख लेना देना पड़ता है तब कहीं जाके पटवारी की एग्जाम पास है। देखो कुछ जगह तो सरकार, कुछ जगह ऐसी कंडीशन बनती है उसमें जांच भी होती है और काम होता है। नहीं, आंदोलन हो रहा है लेकिन क्या उसका, उसमें तो नेता तो फंसे नहीं है ना। चलिए ठीक है, कांग्रेस के भी और लोग हैं जी, बताए आपके मन में क्या है, आपके मन में क्या मुद्दे होने चाहिए? सबसे पहले तो मेरा नाम अब्दुल कलीम, रामपाली में मुन्ना भाई के नाम से पहचाना जाता है। और 2023 का चुनाव जो आ रहा है जी, ये अभी तक बीजेपी की सरकार रही है जी, और बीजेपी की सरकार के रहते में मैं व्यक्तिगत अपने सुझाव देना चाहता हूँ कि व्यक्ति बीजेपी की सरकार में रहते हुए जो जितना विकास हुआ है और लाडली बहना को पैसा मिला है, हर हर घर की लाडली बहना खुश है, और इस बात पर विचार कर बताना नहीं पड़ेगा लाडली बहना को कि हमें किसको वोट देना है, वो जाके सीधा कमल की बटन को दबाएंगे। अच्छा। और वर्तमान जो विधायक रहे गुड्डा जायसवाल जी, ये पहले 2018 में चुनाव एक बार हारे हैं, इसके पहले 3 बार चुनाव जीते हैं, अब उनका 6वां बार चुनाव है, और जनता इस बात को विचार करेंगी कि सबसे पहले तो मैं मुस्लिम समाज के हिसाब से सदर हूँ, इस बात का गर्व करता हूँ विधायक मोदी जी से कि रामपैली मंदिर राम भगवान के नाम से जाना जाता था, पर आज तक इतने सालों, 100 साल हो गए जितने भी सालों रामपैली मंदिर बनी थी, पर किसी ने जनार्दन गेट का नहीं किया था। उनके मन में इस बात का विचार आया और भगवान राम का मंदिर का गेट एक स्थान रामपाली बस स्टैंड में बनाया गया। बीजेपी को अपनी ही पार्टी से कोई कैंडिडेट नहीं मिला बाहर के पास, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा क्यों हुआ? क्यों? इस पर बात करेंगे। और भी लोग हैं। अभी मेरे एक भाई ने बताया कि मध्य प्रदेश में शिवराज के शासन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, पर वो ये नहीं बता पाए कि बलात्कार में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है, रिश्वतखोरी में नंबर 1 है। आज अगर वो शिवराज सिंह चौहान जी का अगर कार्यकाल अच्छा रहता तो आज मोदी जी को, अमित शाह जी को मध्य प्रदेश में आके मोर्चा नहीं संभालना पड़ता, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा के चुनाव नहीं लड़वाना पड़ता, और यहाँ पे उनका चेहरा जो छुपाया जा रहा है, वो चेहरा छुपाने का कारण क्या है? यदि आपने काम किए हो तो आपको डंके की चोट पर शिवराज सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये 18 साल का इतना देखने के बाद भी जनता शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सरकार से त्रस्त हो चुकी है, और अब इसका रिजल्ट आपको 17 तारीख के बाद मिल जाएगा। इसी पत्रकार चर्चा में आप दोबारा आएंगे तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो रिजल्ट आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो क्यों छुपाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा बताने लायक नहीं है क्या? मैं महेंद्र सिंह परिहार, राम राम पाली से। और बीजेपी का सबसे बड़ा कारण जो है मुख्यमंत्री का चेहरा छुपाने का, वो कारण है मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन, नारियों के साथ में अपमानजनक हरकतें,
और रोजगार की बहुत कमी है जी। आज जो युवाओं को छला जा रहा है, आज अभी आपके पास एग्जाम्पल है कि पटवारी एग्जाम हुए, रिजल्ट क्या है पूरे प्रदेश ने देखा जी। है कि जो मेहनत करके जो बच्चा वहाँ बैठ रहा है उसका कहीं नाम नहीं है जी। जो पैसे दे के भर्ती हो रहे उनका नाम वहाँ पे है। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, व्यापम घोटाले में बहुत से बच्चों ने आत्महत्या कर लिया, बहुत से उसके जो अपराधी थे वो मर गए, जांच आज तक कहीं नहीं हुई। और अभी फिलहाल में जो चल रहा है महंगाई का मुद्दा, आप कुछ भी योजना लाएं पर उसका भरपाई कौन कर रही है? हम लोग कर रहे हैं, जनता कर रही है। आपको लाडली बजना में 1000 रुपये मिल गए, गैस हम 1100 का ले रहे हैं, प्याज आज हम 100 रुपये का ले रहे हैं, तो ये पैसा भी तो हम ही दे रहे हैं, हमसे ही वसूल करके हमको ही बांटा जा रहा है। तो ये कोई योजनाएं नहीं है। आज युवा जो है इतना भगरा है यहाँ से, कोई हैदराबाद जा रहा है, कोई नागपुर जा रहा है, रोजगार के कोई साधन नहीं है। तो इस क्षेत्र में आज तक किसी विधायक और सांसद ने कोई पहल नहीं किया है बालाघाट जिले जी। तो अगर वाकई यहाँ पर विकास हुआ है, या जो है आपने बताया कि जिस तरह से लाडली लक्ष्मी और तमाम जो योजनाएं हैं, लाडली बहना, ये अगर कारगर होती तो ये बात नहीं होती, क्योंकि 13 तुझको अर्पण जैसी स्थिति बन गई है कि जो भी पैसा वहां से आ रहा है वो सारा किसी ना किसी रास्ते से वापस वसूल लिया जा रहा है। और महंगी गैस, महंगे जो सब्जियां हैं, बहुत सारी चीज़ें, महंगाई तो है ही, साथ ही जिस तरह से बताया गया कि व्यापम घोटाले से लेकर तमाम जो चीज़ें हैं जिसमें नौकरी व्यवसाय बिल्कुल नहीं है, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है आपके रामपैली और इस पूरे वारासिवनी क्षेत्र में। ऐसी स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ अच्छा है? भैया पहले क्या हुआ था, हमको 3000 तनख्वाह मिलती थी, आज 30000 मिल रही है। आप कैसे महंगाई का आकलन करते हैं? आप 5 रुपये में पूरी सब्जी थैले भर के लिए जाते थे, तो जाहिर सी बात है आपका पेमेंट बढ़ा, तो इधर आपकी महंगाई भी तो बड़ी, उसको मैनेज कर रहे हैं ना। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने काम हो रहे हैं, करोड़ों के अरबों रुपये के जो काम हो रहे हैं, आज देश प्रगति में है, तीसरी विश्व अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी बन चुकी है, तो कैसे बनी है? इसके लिए भी तो पैसा धन लगता है ना, तो जाहिर सी बात है आपका पेमेंट भी तो बढ़ा है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, जिस गांव में हम बैठे हुए हैं, एक धार्मिक नगरी की रूप में रामपाली है, ये पहली बार 70 साल में पहली बार यहाँ आज देख 22 करोड़ रुपए आया हुआ है मंदिर के लिए और यहाँ विकास कार्यों के लिए। जाहिर सी बात है यहाँ ये विकास कार्य होगा। इस वक्त मजदूरी कितनी है आपको पता है? मजदूरी का रेट क्या है? 200 रुपए है, 202 रुपए है मजदूर रुपए, सरकारी रेट है वो, सरकारी रेट है। क्या इतने में ये जो कुछ भी महंगाई का जो असर है आपको लगता है कि उसके ऊपर नहीं पड़ रहा होगा? पड़ रहा है ना, प्याज तो सभी के लिए महंगी होती है, सरकारी कर्मचारी तो 5 रुपए प्याज होती तब हल्ला नहीं होता है, जब 80 रुपए हो जाती तब आप पिछली चीजों को लेकर कब तक के आप अभी पहले ऐसा था इसलिए अभी पहले 10 रुपए किलो प्याज थी तब तो किसी ने नहीं बोला, 20 रुपए कम कर दिए पेट्रोल में तब किसी ने नहीं बोला, 5 रुपए बढ़ देता आप हल्ला 10 रुपए, ये तो मार्केट पर रहता है, इसमें सरकार का क्या रोल? आप पेट्रोल का जब रेट ये बड़ा था तब सरकार ने सब्सिडी कम की थी ना, जाहिर सी बात कम हुआ था ना, अब सरकार की जितनी क्षमता होती उतनी करेगी ना। कीमत की बात तो करें मत, क्योंकि बहुत लंबे समय से पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ी हुई है और बहुत वसूली हो चुकी पेट्रोल। महंगाई पे मैं ये बोलना चाहता हूँ, यूपीए ट्यूब में जब महंगाई का मुद्दा हमने उठाया था तब यही कमलनाथ जी जो इनका फेस है सीएम का, उन्होंने कहा था गरीब लोग पेट भर खाना खाने लगे इसलिए गवर्नमेंट महंगाई बढ़ गई, तो गरीबों को खाना खाने से अगर देश में महंगाई बढ़ी हुई थी, कमलनाथ जी का मुद्दा था, तो आप ये किस मुंह से हमारे सामने महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं? कमलनाथ जी इसको भले ही फर्क नहीं पड़ता हो, आम जनता को तो फर्क पड़ता है, महंगाई का फर्क आम जनता को ही पड़ता है जी। बताएं, हमारे बड़े भाई लोकेश तिवारी जी ने कहा कि समय के साथ साथ लोगों की सैलरीज बढ़ी, लेकिन आप सैलरी से मजदूर को कैसे आकलन कर रहे हैं? या दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग कर दे सरकार कि गरीब आदमी अलग डिवाइडेड रहेगा, गवर्नमेंट कर्मचारी अलग, उसके लिए महंगाई या गरीबों के लिए अलग सिस्टम रहे, तो ये सारी चीजें डिवाइडेड रहे। यदि जिस तरीके से तिवारी जी बोल रहे हैं कि सैलरी भी बढ़ी है, 300 रुपये पहले मिलता था, 30000 हो गया, लेकिन मजदूरों की कहाँ ऐसी उन्नति हो पाई है इस मध्य प्रदेश सरकार में? और वाराशिवनी का पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ के युवा बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई का स्तर 0 है, बालाघाट जिला लगातार पढ़ाई के क्षेत्र में नीचे आता जा रहा है ग्राफ, और यहाँ के सरकारी स्कूल की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, और इस ग्राम को तो विकास से दूर रखा गया है ना, इस गांव को ना विधायक निधि मिल रही है ना सांसद निधि मिल रही है, ऐसा क्या हो रहा है? यहाँ की ये वाराणसी विधानसभा का सबसे बड़ा ग्राम है, यहाँ 5000 मतदाता है, लेकिन इस ग्राम को हमेशा विधायक निधि सांसद निधि नहीं मिली, उन मतलब लाभ नहीं मिला, कोई कॉम्प्लेक्स निर्माण नहीं हो पाए जिससे रोजगार के साधन उत्पन्न किए गए, और यहाँ जो भी बड़े काम हुए वो राज्य सरकार से हुए, गोन खनिज से काम हुए, और यहाँ कोई विधायक निधि नहीं मिली है ना सांसद निधि के उतने बढ़ चढ़कर, जिस हिसाब से इस गाँव का इतिहास है, यानी तिवारी जी ने बताया 70 साल बाद 16 करोड़ रुपये मिले, हमको 70 साल लगे क्यों? हमको इस 16 करोड़ लाने में 70 साल लगे क्यों?
जब हमारा गांव सब चीज इतने इंटेलेक्चुअल पर्सन यहाँ बैठे हैं, सभी लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, तो हमें आजादी के 70 साल लगे क्योंकि हम इतने विकास से इतना रामपाली इतने दूर रहा, मेरा ये मुद्दा है। बिल्कुल, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुद्दा भी ज्वलंत है, मैं आपके पास भी आऊंगा इस वक्त। जी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बताए। वो बैठ के बोलिए, बैठ के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाए, बैठ के बोलिए जी। सर, भारत में सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो निजीकरण के माध्यम से हो रहा है जी, और निजीकरण की पॉलिसी 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने लाया जी, और उन्होंने एक प्लेटफार्म बना करके दिया और बीजेपी उस पर बड़े पैमाने पर काम कर रही है जी। निजीकरण की वजह से सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये उद्योगपतियों के हाथों में जा रहा है। दूसरी बात, अभी हमारे भाई साहब ने कहा था कि जो व्यापम घोटाला हुआ और ये जो अभी जो कुछ पटवारी का जो मामला था उसकी एक वजह है कि निजीकरण में क्या हुआ, ये जो एग्जाम लेने का जो टेंडर है ये प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है, प्राइवेट कंपनी पेपर सेट करती है, प्राइवेट कंपनी पेपर जांचती है, तो ये जो प्राइवेट कंपनी जो है ये पेपर लीक करती है, और इस वजह से क्या होता है उनके जो इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ने वाले जो बच्चे रहते उनको पेपर सप्लाई किया जाता, हमारे लोग पढ़ाई करके जाते लेकिन वो लोग उसमें सक्सेस नहीं होते। फिर रही बात सर, आज भारत का जो पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स जो है ये पॉलिटिक्स न होकर के एक व्यापार है। अभी आप लोग देख रहे होंगे मैं 30 साल से खेती कर रहा हूँ, आज मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है। हमारे पहले के MLA MP चुनाव लड़े हुए लोग उस वक्त मेरी खेती से उनकी खेती कम थी, आज वो 50 लाख की कार में घूमते हैं, 50,000 के कपड़े पहनते हैं, चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। तो ये बताइए, जो हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि है तो बोलते कि हम आपके सेवक है, तो उन्होंने हमको बताना चाहिए कि मुझे मेरे पास कैसे करोड़ रुपए है, क्या मैंने खनन करना चाहिए, क्या मैंने शराब का व्यापार करना चाहिए, मैंने क्या करना चाहिए, या तो वो लोग बताए कि आपके पास धन इतना आया कहाँ से। मैं अगर 1 लाख रुपए की धान बिकता हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, फिर ये लोग अपनी संपत्ति कहाँ से आती है क्यों नहीं बताते। दूसरी बात सर, मेरे गांव में देखिए एक मुद्दा बड़ा बहुत बड़ा है और कई बार क्या होता है खनन माफिया क्या कर देंगे इसकी गारंटी नहीं है। मेरे गांव से कम से मिनिमम 100 करोड़ की रेत निकली है, कोई कलेक्टर नहीं, कोई SP नहीं, कोई थानेदार नहीं, कोई पटवारी तहसीलदार कुछ नहीं है, नदी लूट गई, रेत निकल गई, मिट्टी दिख रही है, मेरे खुद की आधी एकड़ जमीन कट गई जी। कोई बोल नहीं सकता, अगर किसी ने बोल दिया तो उसके 10 गुंडे खड़े होते, बोलते कुछ नहीं, सिर्फ घूर के देखते रहते। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बात चल रही है अवैध उत्खनन के ऊपर में, तो हम हमारे ग्राम के पंच महोदय माननीय पीयूष अग्रवाल जी से बात करेंगे कि वे अवैध उत्खनन के ऊपर में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, अवैध उत्खनन साझा राजनीति है, आप उसको नाम गलत ले रहे हैं। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसको अवैध उत्खनन मत बोलिए, उसको बोलिए साझा राजनीति का क्या हसर है। इसमें कौन सा नेता कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं है बताइए ऊपर के लेवल में। अवैध उत्खनन में तो आपको मेरे से बजाय जो हमारे प्रत्याशी लोग खड़े हैं ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए कि अगर वो जीतते हैं तो उनका स्टैंड उस संबंध में क्या होगा। भाई हम तो एक छोटे व्यक्ति हैं, छोटे ही बोलना चाहिए हमको, एक साधारण कार्यकर्ता बोल लो, साधारण जनमानस बोल लो या साधारण व्यक्ति बोल लो आप, इस मामले में हम तो कोई सवाल का जवाब आपको दे ही नहीं सकते। अगर ग्रामीण राजनीति की बात करें तो आप भाजपा से बिलोंग करते हैं और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पिछले 4 बार के विधायक रहे माननीय प्रदीप जायसवाल जी, वर्तमान में भाजपा का दामन थाम चुके हैं और प्रत्याशी भी घोषित कर दिए गए हैं, तो जब वो भाजपा से प्रत्याशी चुने गए हैं और अगर विधायक बन के आते हैं तो आपकी क्या ऐसी मांग रहेगी उनसे एक विधायक के तौर पे कि इन सब चीज़ों के ऊपर में रोक लग सके। देखिए, आज की राजनीति में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई सा भी दल हो, उसके लिए कोई भी विधानसभा सिर्फ एकमात्र सीट है जिसमें पार्टी का उद्देश्य है एन केन प्रकारेण वो सीट जीत जाए। चाहे उसके लिए गुड्डा जायसवाल को कांग्रेस से बीजेपी में ला लो, बीजेपी से निर्दलीय बना लो, किसी को कच कर लो, उससे कोई किसी को ऊपर से नीचे तक कोई मतलब नहीं है। उनके नज़र में सिर्फ एक विधानसभा सीट है जो 112 नंबर की है जिसको जीतना है। रही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रदीप जायसवाल के बारे में, तब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, सामने चुनाव चालू हो चुका है, अब उस संबंध में तो 17 तारीख को मतदान होगा, उसके बाद ही रिजल्ट पता चलेंगे क्या होते हैं। हमारी शुभकामनाएं तो सभी के साथ है कि अवैध उत्खनन के ऊपर में जो आरोप लगे जाते हैं कि आपके विधायक के द्वारा एक भी सवाल आज तक इस क्षेत्र में नहीं उठाया गया, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। पहली बात तो मैं कहूँगा कि अवैध उत्खनन नहीं है, एक गवर्नमेंट एक सरकार नियम बनाती है, जनता मतलब एक सरकार नियम बनाती है कि इसको टेंडर देकर उस वहाँ से उसको नीलामी देती है और उस नीलामी के पैसे से जो आज हमारे यहाँ पुलिया बन रहा है, ये पैसा कोई मशीन छापेगी तो नहीं,
यही कहीं से पैसा निकाल कर गवर्नमेंट इन चीज़ों को वितरित करके या जो रेत बेचकर जो रेत प्राकृतिक आई है उनसे आय लेकर ये यहाँ पर विकास कार्यों में लगाएगी। आज हर व्यक्ति बोलता है कि रेत नहीं निकलना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति ये नहीं बोलता ना कि मेरा स्लेब का मकान नहीं बनना चाहिए। स्लेब का मकान बनेगा तो रेत तो लगेगी। आप बात सही बोल रहे हैं सोहेल खान कि रेत निकलना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन होती, सीमाएं होती, लेकिन सीमाओं से ज्यादा रेत का उत्खनन उसे अवैध उत्खनन कहा जाता है। लेकिन इस संबंध में लोगों का सवाल यह है कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने आज तक क्या आवाज नहीं उठाई है। अगर माननीय गुड्डा जायसवाल जी अगर भाजपा से विधायक बनते हैं और बड़े पद पर जाते हैं तो क्या इन प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगेंगी? बिल्कुल, अगर जहाँ पर अवैध उत्खनन हो रही है और उनके पास संज्ञान में बात जाएगी तो बिल्कुल हमारे प्रदीप जायसवाल जी जो अभी विधायक प्रत्याशी मतलब भाजपा के हैं उनने हर जगह अपना साथ दिया है और अगर ऐसा कुछ रहेगा तो जरूर खड़े रहेंगे। इसके पहले भी वो हर जगह खड़े रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अवैध उत्खनन में उनका रोक नहीं रहेगा। ये जो सवाल जवाब है निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक तरफ भ्रष्टाचार है, दूसरी तरफ भी भ्रष्टाचार है। वर्तमान सरकार पुरानी सरकार के भ्रष्टाचार की बात करती है और जो विपक्ष है जो कि पुरानी सरकार थी, पहले की सरकार थी, वो वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार की बात करती है। ऐसे में दोनों तरफ भ्रष्टाचार है, किसने ज़्यादा किया किसने कम किया, ये सवाल लोगों के बीच में है और यही स्थिति बनी है। अक्सर जो है बीजेपी कांग्रेस की बात करती है कि इन्होंने इतना कुछ किया और अगर हम कर रहे हैं तो हमको क्यों बोला जा रहा है। से 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, इन्होंने क्या किया ये अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे, लेकिन जो पिछली सरकारों ने किया कांग्रेस की सरकार ने उसको बता रहे, अपनी उपलब्धि इस बात के लिए नहीं बता पा रहे कि हमने तो भ्रष्टाचार किया है, लेकिन हम ब्लेम किसको लगाएंगे? कांग्रेस को। रहा सवाल भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो आप लोग देख रहे हैं और हर जगह जा रहे हैं तो पता भी चल रहा है कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। मेरा शुभ नाम सूरजलाल लाहौरी है। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए और कहाँ मैसर नहीं चिराग घर के लिए, और वो स्थिति आज भी बनी हुई है। जहाँ तक मुद्दों की बात है, चाहे राष्ट्रीय मुद्दा हो, प्रादेशिक मुद्दा हो, क्षेत्रीय मुद्दा हो या ग्रामीण मुद्दा हो, तो मुद्दे तो इतने ज़्यादा है, असंख्य बोलो तो चलेगा, संख्या में है ही नहीं। और उसके पीछे कारण है बेशर्मी। किसी कवि की पंक्ति है कि नेताओं ने गांधी की कसम बेच दी, कवियों ने निराला की कलम बेच दी, और यह न पूछे इस दौर में क्या क्या न बिका, लोगों ने अपने आँखों की शर्म बेच दी। तो शर्म बेचने का कारण है जो कुछ हो रहा है। खैर, मैं बाकी मुद्दों पे तो बात नहीं करता, मैं ग्रामीण के ही मुद्दे पे एक बात करना चाहूँगा कि जहाँ से जीवन शुरू होता है, प्रारंभ होता है, शिक्षा का मंदिर जिन्हें हम पाठशाला शाला विद्यालय जो भी कहते, तो अपने ही ग्राम में सरकारी स्कूल है कन्याशाला के नाम से, और आज जाके पूरी टीम पूरे मीडिया की पहले शब्द से लेकर के राष्ट्रीय स्तर के जितने मीडिया वो जाकर के देखे कितनी जर्जर हालत में वो बिल्डिंग है, जो मेरे ख्याल से शिक्षा अधिकारी से लेके कलेक्टर से लेके सभी को सूचना मिल चुकी है, सरपंच महोदय को ज्ञात है, लेकिन आज तक उसका पैसा कोई कहते स्वीकृत हो गया कोई बोलते नहीं। जब शिक्षा के मंदिर को हम व्यवस्थित नहीं कर पाते तो क्या व्यवस्था की बात करें, क्या राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दे और प्रादेशिक मुद्दों पर बात करें, और जब एक मुद्दा हल नहीं कर पाते तो मैं कैसे कह लूँ कि कौन बहुत सशक्त है और कौन अच्छा है। तो दीवाले आज देखिए आज भी जर्जर है, कब वो छत बैठ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जब हम शिक्षा के मंदिर को भगवान के मंदिर को नहीं सुधार सकते तो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पे प्रादेशिक मुद्दों पे बात करना व्यर्थ होगा। तो पहली बात एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, अभी अपने छोटे भाई लोकेश जी तिवारी ने एक बात कहा कि जब 10 रुपये किलो टमाटर या प्याज हो जाती है तो कोई हल्ला नहीं करता, 800 रुपये किलो प्याज हो गई तो हल्ला करने लगे। चलो भाई का अर्थशास्त्र मजबूत है, उच्च शिक्षा तो प्रश्न नहीं उठता। एक शिक्षक को 2000 रुपये पर डे 60,000 रुपये महीना मिलता है और एक मजदूर को 202 रुपये मिलता है, जो पूरे महीना भर रोजगार नहीं मिलता। लेकिन चलो अपन सोच ली कि 30 दिन का रोजगार मिला, 6,060 रुपये उसको प्राप्त हुए। अब 6,060 रुपये और 60,000 रुपये की तुलना बहुत अच्छे तरीके से किया उन्होंने कि अगर महंगा भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, 100 नहीं 1,000 रुपये किलो भी हो जाए तो अब खैर उनका अपना अपना गणित है, लेकिन मुद्दे तो इतने सारे हैं। ये बताइए कि राष्ट्रीय मुद्दे या फिर राज्य स्तर के मुद्दे जो हैं वो यहाँ पर असर कर रहे हैं क्या? क्योंकि बताया जा रहा, कई जगह पे बोला जा रहा, भाई मंदिर हमने बना दिया, 370 हटा दिया, तो फिर क्या मतलब? अच्छा, तो क्या मैं इस पर भी कहना चाहूँगा, हम मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे पे बहुत बात कर लेते, गौ माता की जय हो, आज गौशाला है बिठली ग्राम में जाके देख लीजिए, आप गौओं की हालत देख लीजिए, चारा देने वाला व्यक्ति भी नहीं रहता उपलब्ध, जबकि ऑलरेडी रखे गए हैं, जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप ये मंदिर भगवान श्री राम का 600 वर्ष पुराना मंदिर
भगवान आराध्य हमारे जीवन में बसे हुए भगवान राम, और जाके देख लीजिए हम कितनी मर्यादाओं से जीते हैं। शाम को कितने लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ जय श्री राम बोलने के लिए, नारे में तो काफी लोग खड़े हो जाते हैं जय श्री राम जय श्री राम। वहाँ आरती में भगवान के आराधना में कितने लोग जाके खड़े होते हैं, तो ये सारा दिखावा है, अंतर मन से कुछ नहीं, ऐसी भारी भीड़ का हिस्सा है, मैं कुछ नहीं जी। तो राम पैली में ये बात कही जा रही, जहाँ पर बहुत पुराना मंदिर है, ये बात कही जा रही है कि ये जो आस्था की बात कही जा रही है, जो बीजेपी जो नारे लगा रही है, वो सिर्फ दिखावा है। आज आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो गौ माता की जय बोलने वाले बीजेपी के लोग हैं, और सबसे ज्यादा गाय कटने के लिए इसी एरिया से जाती है, और वो बजरंग दल वाले गमछाधारी पूरों का सबका महीना बंधा हुआ है। पुलिस वालों को जितना पैसा मिलता है उससे ज्यादा बजरंग दल वालों को पैसा मिलता है, उससे ज्यादा पैसा उनको मिलता है। आप यदि हिंदू धर्म की बात करते हो तो कितने लोगों के पास घर में गाय है। आज हमारे यहाँ गौशाला, कमलनाथ जी ने गौशाला बनवाए थे, आज मैं इतने लोगों से पूछता हूँ गौशाला में अगर एक गाय और एक बेट पैरा होगी तो बताइए, पर कहाँ हिंदू धर्म की और गौ माता की आप बात करते हो। तो ये सब जो है लोगों को धर्म के नाम पे, लोगों को 370 के नाम पे, अरे 370 से रामलाल और पति राम और गनी राम को उससे क्या लेना देना है 370 से, उसको तो स्थानीय मुद्दे चाहिए ना, उसको स्थानीय समस्या है ना। एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, चुपचाप रहो। उसको हमको हमारे गांव की समस्या, हमारे गांव की समस्या, हमारे क्षेत्र की समस्या। मेरे कहने का मतलब है धारा 370 क्या है मेरे से बेहतर आप जानते हैं, आप पत्रकार हैं। अभी मामा ने बोले कि अब्दू क्या बोले मामा, उनका कहना यह है कि धारा 370 का राम पायली से क्या लेना देना, कैसे लेना देना नहीं है। इसका मतलब आप उसको जम्मू कश्मीर भाग को भारत का अंग ही नहीं मानते, आप पहले से ही विभाजित करके बैठे। यही कांग्रेस की मानसिकता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यही कांग्रेस की मानसिकता, कहां पाकिस्तान का बैठता था, एक मिनट, कहां पाकिस्तान का झंडा फहरा, कभी इंडिया का झंडा फहरा नहीं फहरा था। किसने कहा है आपको, कहां से पता है ये, कहां से जानकारी, झंडा इंडिया का फहरता नहीं था ना, ये जानकारी आपको कहां से मिली, ये जानकारी आपने कहां, झंडा फहरते नहीं देखा है, ये बताइए आप कब गए थे वहां देखने, इतना टीवी पे चलते रहता है। एक मिनट, मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, नहीं जो हमारे बड़े भैया ने बात बोला कि जम्मू कश्मीर में आज तक इंडिया का झंडा नहीं फहरा है, ये दरअसल बहुत मतलब ये मिसगाइड करने वाली बात है, जो कि बहुत ज्यादा चल रहा है वहाँ पे। हमेशा कुछ एक जगह पर्टिकुलर ऐसी है जहाँ कुछ उपद्री तत्वों ने झंडा नहीं फहराया होगा, बट उसके कारण पर्टिकुलर आप पूरे जम्मू कश्मीर को बदनाम नहीं कर सकते। आपको ये जानकारी मिली कहाँ से, आपको पता है वहाँ पे कौन सा झंडा फहरता है, नहीं कभी गए वहाँ पे, नहीं गए मैं टीवी में, नहीं किस टीवी में देखा था बताइए, उस चैनल का नाम बताइए, नहीं मुझे शायद पता नहीं। चलिए ठीक है, जानकारी अगर हो तो बेहतर है होता है, और अगर जानकारी ना हो तो उस पर बात नहीं करनी चाहिए। जी क्या जी, विधानसभा चुनाव में तो क्या है, स्थानीय मुद्दे रहते हैं, और चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं, और ये सरकार जब से है प्रदेश में और देश में, तब से प्रदेश और देश का सर्वांगीण विकास है, चाहे महिलाओं के बारे में हो, चाहे युवाओं के बारे में हो, गांव और सारी चीजें, यहाँ तक कि हम जैसे बिजली, पानी, सड़क, दिग्विजय सिंह जिस समय थे उस समय की स्थिति, बिजली 24 घंटे में से 20 घंटे गायब रहती थी, सड़कें बेहाल थी, ये आप चैनल वाले भी यहीं कहीं के हैं आपको सब मालूम है, उनमें क्या उन्नति नहीं हुई है, उनमें उन्नति हुई है। महिलाओं के बारे में बोले कि बलात्कार हो रहा है, उनके विषय पर कोई ध्यान, सबसे ज़्यादा महिलाओं के विषय में सोचने वाले शिवराज सिंह सरकार, शिवराज सिंह खुद वो हैं जिनको बोल रहे हो कि आप पोस्टर से गायब है, इससे गायब है, पोस्टर में लगा रहना नहीं लगा रहना एक छोटी सी बातें हैं। नहीं उनसे क्या गलती हो गई, वो पोस्टर में क्यों नहीं, वो कहीं कोई गलती नहीं हुई है, पोस्टर में है, आपने किस पोस्टर को देख के आ गए जिसमें वो नहीं दिख रहे, जो टी शर्ट बट रही है उसमें नहीं दिख रहे हैं, इसलिए शिवराज सिंह का फोटो नहीं है, तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सीएम का चेहरा अभी भी क्लियर नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी असमंजस में है अभी, और माननीय कमलनाथ जी की लहर है, निश्चित ही प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है, और अच्छी घोषणाओं के साथ। देखिए मेरी उम्र 25 साल है, मैंने जब से पैदा हुआ हूँ माननीय शिवराज सिंह चौहान ही इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं, तो मेरे सवाल सीधे शिवराज सिंह, मैंने जब से राजनीति को देखा है, तो मेरे सवाल भारतीय जनता पार्टी से रहेंगे, और निश्चित ही पूरा जनता का जो मत है 2018 की विधानसभा चुनाव में, वो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी को मिला था, और जैसी
खरीक फरोख की राजनीति हुई तो यहाँ पे सरकार गिर गई कांग्रेस की। और काफ़ी बढ़िया, अगर माननीय कमलनाथ जी 5 वर्ष पूर्ण यदि मुख्यमंत्री होते तो निश्चित ही युवाओं के लिए कुछ अच्छी खुशहाल देखने को। अगर खरीद फरोख्त नहीं होती तो यहाँ पर अच्छा विकास होता जी? यहाँ विकास होता नहीं, हो चुका है, हो चुका है, हो रहा है। ये किसने बोल दिया कि विकास हो जाता है? कमलनाथ जी ने इतनी सारी घोषणाएं कर रखी हैं, अब ये बताइए कमलनाथ जी अपनी घोषणाओं को पूरा कैसे करेंगे? वो पैसा कहाँ से लाएंगे? वहीं से जहाँ से शिवराज जी अभी महिलाओं को, वो ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि मैं पैसा कहाँ से जनरेट करूंगा। जी ये बताएं कहाँ से लाएंगे जो जो घोषणाएं की है कमलनाथ जी? सबसे पहले तो शिवराज सिंह चौहान ने इस मध्य प्रदेश को इतना कर्जा लेकर डुबा दिए हैं, मध्य प्रदेश सरकार को, कि वो सबसे पहले तो हम लोगों को चिंता का विषय ये है। आज यदि कमलनाथ जी आते हैं तो सबसे पहले तो उनको ये कर्जा चुकाने के बारे में सोचना है। इसके बाद वो 15 महीने सरकार रही, किसानों का कर्जा माफ हुआ, गैस सिलेंडर कम हुए, महंगाई कम हुई, और 15 महीने के बाद बिजली के बिल कम हुए, और क्या कर सकते। कमलनाथ जी ने जो कराया वो भी इनको याद होना चाहिए, पर इनको क्या है, इनको सिर्फ शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी दिखता है। जी ये आपके पास भी आ रहे हैं, ये कर्जा माफ हुआ है, लोकेश तिवारी जी खुद उसका उदाहरण। जी जैसे आपने कहा कि सीएम थे, इसका चेहरा सरकार क्यों तय नहीं पा रही है, क्योंकि सभी सरकार बीजेपी सरकार चाह रही है, मोदी सरकार चाह रही है कि सभी वर्गों को अपनी तरफ रुझाया जाए। जैसे कि प्रहलाद सिंह लोधी ओबीसी चेहरा है, उनको ओबीसी को आकर्षित करने के लिए उनका चेहरा लाए। छगन सिंह कुलस्ते है मंडला के केंद्रीय मंत्री, उनको फग्गन सिंह कुलस्ते, उनको भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एसटी ऑटो को। तो ये सभी केंद्र का है, उन्होंने पूरे मंत्री उतार रखे साथ साथ, तो ये सभी वर्गों को अपनी ओर आकर्षित करने का उनका एक मूल मंत्र है कि सभी वर्गों को अपनी ओर आकर्षित करें, अपना वोट बैंक। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि सभी वर्गों को, जैसे कि ओबीसी अभी केंद्रीय मुद्दा है, बीजेपी सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है, आप कहना चाह रहे हैं। जी ये आप लोग क्या जवाब देना चाह रहे हैं? एक मिनट, जो सवाल उनका है कि जो भी अभी तक के पैसे बट रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के बट रहे हो, चाहे फिर वो स्कूटी दी जा रही हो, तमाम वो बहुत सारा कर्जा लेकर दिया जा रहा है, ये कर्जा आने वाली सरकार को चुकाना पड़ेगा। आने वाली सरकार चुका देंगी, पर अगर बाय द वे यहाँ पे कांग्रेस बैठ गई, ऊपर तो निश्चित है कि मोदी बैठने वाला है, तो फिर परेशानी जहाँ भी विकास कार्य करवा रहे पहले की आप पूरा करें, 50 साल पहले क्या कंडीशन थे, आज देखो एक छोटी छोटी पंचायत में 20-20 करोड़ रुपए दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जितना पलायन होता था पहले नागपुर में, वो पलायन कम हो गया, फिर भी बहुत सारी हर घर में एक मजदूर, 4 मजदूर काम भी कर रहे हैं, उसे घर में आंगनबाड़ी का पैसा भी मिल रहा है, उसे घर में लाली लक्ष्मी का भी पैसा मिल रहा है, और बचपन से लेकर जन्म से लेकर उसको पढ़ाई तक फ्री पैसा दिया जा रहा है। ये कांग्रेस इसका जवाब देगी। भाई एक चीज बताइए, कोई आदमी, कोई मजदूर, बिल्कुल नहीं, कोई मजदूर कोई आदमी क्यों चाहेगा कि मेरे बाल बच्चों को छोड़ के कम हुआ वो जाके सुबह बस स्टेशन पे बैठ जाए 7 बजे और शाम को 7 बजे उठे। देख लो, गांव का आदमी अगर हैदराबाद जा रहा है, 4 महीने मुसाफिर अलग दिखाई देता है, कमाना मेरा यहाँ बैठे हुए महानुभावों से प्रश्न है कि ये जो सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, सरकारी बिल्डिंग, सरकारी, लास्ट टाइम ये स्वयं के चेकअप के लिए डॉक्टर के पास सरकारी हॉस्पिटल में कब गए थे? लास्ट टाइम यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में चेक के लिए कब गए थे? देखिए, इनका कहना यह है कि निजीकरण की शुरुआत कांग्रेस ने की है, बताइए। भैया जहाँ तक सरकारी जगह पे जाने की बात कर रहे थे, हॉस्पिटल में हमेशा जाते रहता हूँ, बच्चों को भी लेके जाता हूँ, स्वयं भी जाता हूँ, मेडिसिन अगर पूरी उपलब्ध होती हूँ तो आप मेरे साथ कल ही चलिए। एक बात सुनिए, और जहाँ तक स्कूलों का सवाल, एक मिनट, जहाँ तक स्कूलों का सवाल है, आरएडी स्कूल की मीटिंग में भी जाता हूँ, और अभी भी चल के मेरे साथ पूरी टीम चले और स्कूल की हालत देख ले कन्यासाला की, कि क्या हालत है। हमारे आदरणीय लाहौरी अंकल जिस स्कूल का प्रश्न उठा रहे हैं, उस स्कूल के लिए
ग्राम पंचायत रामपैली सरपंच महोदय यहाँ बैठे हुए, मैं उसका एक पंच हूँ, एक अंग हूँ। 8,88,000 रुपए कलेक्ट्रेट बालाघाट द्वारा प्रस्तावित किया जा चुका है। दूसरी बात, उसमें से 2,80,000 रुपए की पहली किस्त वो सेंक्शन होके आ चुकी है। उस तार का टीएस एएस जो सरकारी पद्धति में बोला जाता है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इनका कहना है कि आज ही बाला दल बर जाए और आज ही खेत पक जाए, बुजुर्ग के हिसाब से बचपना बचपना रखो, इतना नहीं कि जिस दिन पौधा लगा उसी में फलने लग जाता है। मेरे को नहीं बिठालना, जिस दिन पौधा लगाते उसी दिन ही फलता। अगर अपने में यहाँ सहजता होती तो यहाँ से अवैध वाली बात, जिसको अवैध शब्द मत बोलो, अवैध तो कुछ नहीं, सब वैध ही है। जब दिन में रेत निकल के जा रही तो वैध हुई, अवैध कैसी हुई? खनिज बाग का ठेका होता है, खनिज बाग से वहाँ से आता है पैसा आपको विकास के लिए। भैया एक मिनट, पहले इनसे पूछिए कि किसी भी स्टेट की लाइफलाइन उसकी स्टेट ट्रांसपोर्ट होती है। मध्यप्रदेश सरकार की राजपरिवहन इन्होंने बंद क्यों किया था शासन काल में? मध्य प्रदेश, जो एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का जो परिवहन जो था, जो बसे थी, मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम, ये बंद क्यों किया? बहुत बड़ा सवाल। मध्य प्रदेश निगम, अरे नरेंद्र मोदी पूरे देश को बेच रहा है तो उसमें तकलीफ नहीं? शिवराज आप भी बेच सकते हैं, कर्जा ले रहा है तो उसमें दिक्कत। देखो एक मिनट सुनिए, बेचने की शुरुआत आपने की, एक मिनट। और दिग्विजय सिंह जी ने गांव के देहात के बेरोजगारों को अगर 500 रुपए और 1,000 रुपए में शिक्षा कर्मी बनाया तो उसने एक मास्टर की तनख्वाह में 50 लोगों को मास्टर बनाया। और देश के जो शिक्षकों का परिवहन निगम की बात चल रही थी पहले, आप उस पर परिवहन निगम तो अब क्या घाटे का सौदा होगा तो बंद करेंगी, घाटे का सौदा फायदा हो रहा है तो शिवराज सिंह बेच रहे हैं। इसका मतलब परिवहन निगम जो है उन्होंने मतलब बेचने की शुरुआत कांग्रेस ने की, आप कहना चाह रहे हैं? देखिए भाजपा बेच रही है, देखिए बाकी चीजों, आरोप लगाया है कि मोदी ने देश बेच दिया, इस बात का खंडन करिए। आप मेरे को एक बात बताओ, मैं इस राज्य परिवहन निगम उन्होंने बेचा, आपने क्या क्या बेचा? उन्होंने कहा पूरा देश बेच दिया, बेचा नहीं है। कोरोना काल में हम क्या दिखा, मैं आपको बताता हूँ कांग्रेस नेताओं का ईमान क्या दिखा, मैं बताता हूँ नेता राहुल गांधी भी कांग्रेस नेताओं का ईमान, वो कांग्रेस नेता जो छत्तीसगढ़ की सभा में जाके भूपेन बघेल को बोलता है तुम भ्रष्टाचारी हो, वो सोनिया गांधी कमलनाथ दिख रहे एक सीट के लिए एक दूसरे से फाड़ रहे हैं, गाली बक रहे हैं, गाली बकते हैं दूसरे को, हिंदू मुस्लिम का आज बताइए, मुद्दों की बात करिए, मुद्दों की गाली। भैया गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र बिंदु है, यहाँ मंदिर की और मस्जिद की दीवार एक है। आज हम देख रहे हैं इतने साल की उम्र होगी, 40 साल की हमारी, आज इसके बाद जब से मोदी सरकार आई है शिवराज सरकार देखा दंगे हुए क्या बताइए? और पहले हमको सुनना पड़ता था कि यहाँ दंगे हो रहे हैं, वहाँ दंगे हो रहे हैं, यहाँ मत इसको इस वस्तु को मत छुओ, ये फर्क पड़ता है हमको। महिला ने दंगे, ये तो पूछो रामपाली में दंगा हुआ कब, ये पूछो उनसे रामपाली में दंगा हुआ कब? कभी नहीं हुआ, वो कह रहे कभी नहीं हुआ, पर हुआ कब? दंगे हो रहे हैं। नहीं, सवाल ये है वाकई सांप्रदायिक, सवाल ये है दर्शकों कि मुद्दे कौन से होंगे, मुद्दे हालांकि बहुत ज्यादा भटक रहे हैं इधर से उधर। मसला ये है कि जो सवाल है कि राज्य परिवहन निगम, पहले सबसे पहले मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन निगम का जो ये था सिस्टम था उसे बंद कर दिया गया, उसके बाद कांग्रेस का जो आरोप है कि मोदी जी ने देश बेच दिया। अब देश बेच दिया उसमें क्या क्या बेच दिया आप विस्तार से बताइए, उसके बाद वो जवाब दें। आप तो एक चीज बताइए, रोज टीवी देखते हैं इनके, सबके घरों में टीवी है? नहीं, टीवी का मत, सबके घरों में टीवी है? टीवी का मत बताइए, आज कितने एयरपोर्ट बिक गए आप ये बताइए मेरे को। आज इनके ज्योतिरादित्य सिंधिया एक शील ठप्पा लगाने वाले बैठे हुए हैं रेलवे स्टेशन। अच्छा ये बताइए, नाम बदलने से क्या हो जाएगा? फलाने का नाम बदल दो, ढिकाने का नाम बदल दो, उसका नाम बदल दो। अरे विकास की बात करो आप, नाम बदलने से क्या हो रहा है? नाम बदलने से क्या हो रहा है? बहुत सी चीजें बिक गई, सब बिक गया ना, रेलवे स्टेशन बिके, एयरपोर्ट बिके, प्राइवेटीकरण सबका हो गया। तो प्राइवेटीकरण मतलब क्या हुआ? निजीकरण का मतलब है, सुन लीजिए, मध्य प्रदेश का सबसे पहला, यानी कि मध्य प्रदेश ही नहीं देश का सबसे पहला रेलवे स्टेशन जो बिका है वो है मध्य प्रदेश के भोपाल के ठीक बगल में,
जो हबीबगंज जो अब रानी कमलापति है, रानी कमलापति बन चुका है, अब वो बिक चुका है, सबसे पहला बिका बिका नहीं है, चुका सबसे गलत है, वहाँ नहीं क्या होता था। मेरी बात सुनो, पहले क्या होता था, सरकारी कर्मचारी जिनको 50-50 तनख्वाह मिलती थी वो कर्मचारी हुआ करते थे, साफ सफाई वाला को 40,000 मिलती थी, मक्कारी करते थे, इनने क्या किया प्राइवेट कंपनी को ठेके में दिया, प्राइवेट सिर्फ साफ सफाई व्यवस्था के लिए, कर्मचारी आज भी सरकारी है और सरकार का पूरा नियंत्रण है, पहले बात सुनो, और वहाँ और जगह वो प्राइवेट से भी अच्छा व्यवस्था बनी हुई है। अब से कुछ देर पहले हमारे व्यापारी संघ के अध्यक्ष महोदय माननीय केवल तिवारी जी ने एक आरोप लगाया था कि जो बजरंग दल के लोग हैं वे जो गाय कटती है उनके मतलब बंधे हुए, उनके महीने बंधे हुए हैं, तो आप बजरंग दल से बिलोंग करते हैं माननीय पवन राव जी, बताइए क्या ये आरोप सही है? ये गलत आरोप है, ये पहले उनसे सबूत लाइए कौन लेता है। आप लोग न्यूज वाले हो तो आप लोग ने अस्कर देखे हो कि हम लोग ने जानवर पकड़ के लाए हैं, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा लाए हैं, और हम लोग ने गौशाला उसको बराबर थाने में कार्रवाई सब चीज करे। और कांग्रेस की बात ये है कि कांग्रेस हर समय हर दल को बोलता है कि ये करता है वो करता है, इस वजह से कांग्रेस को विरोध करता है, हर दुर्गा रानी हो गई, विश्व हिंदू परिषद हो गया, जितने भी हिंदू संगठन है तो कांग्रेस हर समय विरोध करता है, तो कांग्रेस का साथ तो संगठन इसीलिए ही नहीं देती। चलिए एक ऑथेंटिक डाटा मेरे पास, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, अगर लाडली बहना योजना की अगर बात की जाए तो ये योजना नई नहीं है, मैं भाजपा को बता दूंगा इस योजना की शुरुआत 2017 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी, लेकिन उस समय एक स्पेसिफिक जो जाति थी इसमें बैगा भारी और सहरिया, इस जाति की महिलाओं को 1,000 रुपए महीना मिलता था, लेकिन जैसे ही 15 महीने की सरकार बनी कांग्रेस की तो उस योजना को निरस्त कर दिया गया। कांग्रेस से जवाब देगी, योजना निरस्त क्यों की गई? कांग्रेस जवाब देगी मतलब निरस्त की गई, कमलनाथ जी ने ही तो बंद किए थे। देखो सुनो, एक मिनट, जो मुख्यमंत्री बनता है वो प्रदेश का मुखिया होता है, उसको जिस योजना पूरे प्रदेश को चलाना आता है, और जो योजनाएं फालतू की रहती हैं उसको बंद करते हैं, जो अपनी नई योजना है वो हर सरकार का नियम है। शिवराज सिंह चौहान ने और नरेंद्र मोदी ने हर जगह अपनी फोटो लगाया है। आप ये बताइए मेरे को कि आज अभी इनके एक विधायक थे, ये टैंकर बांटते थे ग्राम पंचायत में, वो किसकी संपत्ति है? टैंकर जो बांटते थे वो मध्य प्रदेश सरकार की संपत्ति थी, उसमें विधायक के पिताजी का और विधायक का नाम क्यों रहता था? आज नरेंद्र मोदी अगर मान लो कोई चीज बांट रहा है उसमें शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी की फोटो का क्या है? तो आप अपने हिसाब से शासन चला रहे हो ना, इसी तरह से कमलनाथ जब आएंगे तो वो अपने हिसाब से शासन। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल कांग्रेस पक्ष का ये है कि जब भी चुनाव आता है तो कुछ ना कुछ बड़ा घटता है, चाहे देश में या राज्य में, तो चुनाव से कुछ माह पूर्व ही भोपाल के वल्लभ भवन में आग क्यों लगी? इस बात का जवाब दे भाजपा। प्रकृति का आपदा है, तुम आग लग गई तो तुम बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। अभी सुनो, कर्नाटक में परिंदा पर नहीं मार सकता। सुनिए सर, सुनिए, मैं वल्लभ भवन की बता रहा हूँ, जिन तीन कमरों में आग लगी, सुनो, जिन तीन कमरों में आग लगी वहाँ रिकॉर्ड रूम नहीं था। सुनिए सर, जिन तीन कमरे में आग लगे वहाँ रिकॉर्ड रूम नहीं था, रिकॉर्ड रूम सेफ है, और जो बोला गया कोई फाइल नहीं जली वहाँ, वो तीन कमरों में आग लगी, वो भी एसी कारण लगी, और एसी वाले रूम थे, और एसी वाले रूम में कोई फाइलें नहीं होती है, समझ लो पहले। चलिए अभी तक के बहुत ज्यादा भाजपा और कांग्रेस की बात हो गई, स्थानीय मुद्दों के ऊपर बात कर ली जाए। स्थानीय मुद्दे ये है कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, हमारे क्षेत्र की गरीब जनता को, आम जनता को शासन की योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा, इन मुद्दों के ऊपर में हमारे क्षेत्र के अभी तक के जो पूर्व में जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने कितना कार्य किया है नहीं किया है, इस बात का जायजा अब लिया जाएगा। तो सबसे पहले सवाल मेरा ग्राम के प्रथम मुखिया माननीय संदीप बागमारी जी से कि इस क्षेत्र के पलायन को कम किया जाए, ऐसी कोई योजना इस क्षेत्र के विधायक महोदय के द्वारा लागू की गई? नहीं, ऐसा कोई विधायक महोदय के द्वारा कोई लागू नहीं हुई, लेकिन ऐसा है गवर्नमेंट का एक नियम होता है कि वो बीच बीच में कुछ कार्य देते हैं जिनके कारण कुछ रोजगार दिया जाता है, रोजगार गारंटी के माध्यम से, है ना, जिसमें प्लान नहीं होता, लेकिन कुछ जो रोजगार गारंटी का जो एरिया होता है वो हर जगह नहीं होता, कम एरिया रहता है, तो उसमें जितनी पब्लिक रहती है उस हिसाब से कई बार काम नहीं रह पाते, इसलिए कम लोगों को दिया जाता है, हर आदमी को पूरा काम नहीं दिया जा सकता, यानी जैसे 365 या 100 दिन की जो बात की जाती है 100 दिन तक काम नहीं दिया जाता, इतना काम नहीं देती गवर्नमेंट। पलायन के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? पलायन तो पूरे प्रदेश और अपने जिले का सबसे ज्यादा पलायन का एरिया है, और यहाँ यूपी बिहारों के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन बालाघाट की जनता प्रॉपरली पलायन कर रही है, तो यहाँ जो एक पूरा प्रोपोगंडा राजनीतिक और बिजनेसमैनों का जो सेटअप बना हुआ है, जो जिसको जिसके राजेश पाठक जी मुखिया है, तेजी से रेत उत्खनन हो रहा है, पूरी चंदन नदी तबाह होने की ओर है। अकेले राजेश पाठक है कि सिंडिकेट में और भी लोग शामिल है? सिंडिकेट है, पूरे नेता शामिल है, पूरे विधानसभाओं के पूरे विधायक इसमें भागीदार है। तो मेरा ये मानना है कि हम राज्य और देश की जब बात करते हैं
तो ये सारी चीजें अलग है, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां गांव की निर्माण हो रही है, जो तहसील की हो रही है, रोजगार के कोई साधन नहीं है, चार चार बार यहाँ विधायक रहे, मैं जब से देख रहा हूँ दो एथेनॉल प्लांट लगे गए हैं, और हाल ही में अभी वर्तमान विधायक जी ने बोला है कि यहाँ पे क्षेत्र की जनता के लिए एथेनॉल प्लांट लगाए गए, लेकिन मेरी आपसे मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि वहाँ की जीएम को जाके पूछिए और डाटा लीजिए उनसे और बात करिए कितने क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया गया है, कोई आंकड़ा हो तो बताइए। जिस तरीके से माननीय महोदय ने वर्तमान में क्षेत्रीय विधायक और उनकी जो नीतियां थी उनके ऊपर मैं आरोप लगाया है कि यहाँ पे पलायन हो रहा है, और जो उद्यम स्थापित हुए हैं वहाँ पे बिहार यूपी के लोग आके काम कर रहे हैं, इस बात से खंडन आप कैसे करेंगे? इन्हें पता है पलायन कब होता है, जब क्षेत्र में भुखमरी बची रहती है तब पलायन तब होता है, अभी भुखमरी नहीं है, एक भी बहुत भूख से नहीं हो रही है, तो लोग बेस्ट अपॉर्चुनिटी कमाने जा रहे हैं तो पलायन नहीं माना जाता, पलायन तब होता है जब क्षेत्र में भुखमरी मची हुई रहती है, जब भुखमरी से मतलब लोग मरना चालू हो जाते हैं। अब भारत में भुखमरी का कहीं कोई एक भी व्यक्ति नहीं मर रहा है, आया कोई आटा डाटा कि कहीं पे एक व्यक्ति मरा होगा, तभी पलायन नहीं है, कमाने जा रहा है। एकमात्र विधायक जिले में ऐसा है, एकमात्र विधायक ऐसा है जिले में जिसने दो दो प्लांट लाया है, दो दो प्लांट लाया है और पलायन कम हुआ है, बताइए दूसरा विधायक। बिल्कुल ये बात सही है कि बालाघाट जिले में वारासिंदी क्षेत्र का उद्यम के तरीके से काफी तेजी से विकास हुआ है। एक सवाल आकाश गजवीर जी, आपने कहा था कि वर्तमान में जो बालाघाट जिला है वो शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा है, 2021 का डाटा उठा के देख लीजिएगा, बालाघाट जिला शिक्षा क्षेत्र में पहले नंबर पे आ रहा है, अब इसका खंडन कीजिए आप। लेकिन शिक्षा के स्तर का मैं खंडन ये करूंगा कि आप बालाघाट जिले की सरकारी स्कूलों की हालत देखिए और प्राइवेट स्कूलों के, आप इस स्कूल में पढ़ने वाले पहली के बच्चे की कंपेयर आप ग्रेनरी स्कूल से करेंगे तो ये कौन सा सिस्टम चल रहा है यार? मैं अभी शुरू से जब से आया तब से इनके सारे मुद्दों पे ध्यान से गौर से सुना। आपका नाम? मेरा नाम दीपेंद्र डहरवाल है, पकेरा। पकेरा सर, जैसे अंकल ने भी कहे कि दो प्लांट आए जस्ट मेरे बगल में, ये प्लांट कुछ ही लोगों को वहाँ पे रोजगार, मतलब बोलिए एथेनॉल प्लांट के ऊपर में विचार रखिए। प्लांट में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको पड़ोस के गांव वालों को रोजगार मिला है, बाकी जितने भी वहां के रोजगार करने वाले लोग हैं पूरे बाहर से आए हुए, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश। टेक्निकल रूप से होता है वो जहाँ पे जो काम चल रहा है वो पूरा काम टेक्निकल वाला है, और वो जो टेक्निकल काम होने के कारण यहाँ के जो युवा है वो अभी टेक्निकल में पारंगत नहीं हुए, मतलब यहाँ के युवा अयोग्य है, इनका कहना यह है कि यहाँ के युवा अयोग्य है, उस योग्य नहीं है। अभी आपके सामने बालाघाट जिला मध्य प्रदेश की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ऊपर है, मतलब दोहरी बात क्यों करी जा रही है? अभी डेटा है कि मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला सबसे ऊपर है शिक्षा के क्षेत्र में। ये वो जिस प्रकार का प्लांट बन रहा है उसमें जिस प्रकार की इंजीनियरिंग चाहिए वैसे बंदे यहाँ पे नहीं है, बंदे यहाँ पे नहीं है जो है। और मैं बताना दूं कि रामपाली के दो लोग उस प्लांट में काम करते हैं, मैं चाहूं तो उसे प्रूफ लोके और अनुराग दोनों जन दो, मतलब सिर्फ दो लोगों को। अंकल ने जैसे बोले कि टेक्निकल काम के लिए हमारे पास नहीं है वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड तो बन सकते ना आसपास की युवा। सीरियस बात बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मसला है ये बहुत बड़ा मसला है कि स्थानीय लोगों को रोजगार उसमें नहीं मिल रहा है ना, इसका योग्य नहीं है। नहीं ऐसा थोड़ी है कि बालाघाट जिले में योग्य नहीं है, इसी बालाघाट जिले ने कई कलेक्टर दिया है, कई SP दिया है, कई इंजीनियर दिया है, इसी बालाघाट का आदमी नासा में काम कर रहा है, तो क्या अयोग्य है यहाँ के लोग?